नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और न्यूज 29 इंडिया की ओर से विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित अयोध्या पर्व प्रदर्शनी को लेकर की प्रेस वार्ता। 84 कोसी परिक्रमा के क्षेत्र में आने वाले पौराणिक और धार्मिक स्थलों की लगेगी प्रदर्शनी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने को लेकर महायज्ञ का किया जाएगा आयोजन। परमहंस दास बोले कि राम मंदिर निर्माण में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बराबर के भागीदार बनेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ मुस्लिम संगठनों द्वारा किया जाएगा बाबर का पतला दहन। अयोध्या के रामघाट चौराहे के पास मित्र मंच के प्रदेश अध्यक्ष बबलू खान ने अपने समर्थकों के साथ किया बाबर का पतला दहन। अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित अयोध्या पर्व प्रदर्शनी को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अयोध्या पर्व में लगी प्रदर्शनी में 84 कोसी परिक्रमा के क्षेत्र में आने वाले पौराणिक और धार्मिक स्थलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें उनके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से दुनिया को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से हम सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि पौराणिक महत्व वाले इन स्थलों को विकसित किया जाए। आगामी 20 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। जो भी हमारे ऐसे पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल हैं जो ओझल हो चुके हैं समाज की निगाह से, उनको पूरे देश को बताना चाहते हैं, पूरे देश को जनाना चाहते हैं। क्योंकि श्री राम और अयोध्या दोनों को तो पूरा देश जानता है, लेकिन मखौड़ा जहाँ पर यज्ञ हुआ था, पुत्रेष्ट यज्ञ, और जिस यज्ञ के कारण प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उत्पन्न हुए थे, उस स्थल को लोग भूल, जिस यज्ञ को संतत विज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक सिंगी ऋषि ने किया था, जो उसके पुरोहित थे, वह लोगों के से आँखों से ओझल हो चुके हैं, उसको भी बताने का काम इस अयोध्या पर्व के माध्यम से होगा। बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, पाराशर मुनि की तपोस्थली है, सिंगी ऋषि की तपोस्थली है, कम से कम 8-10 ऐसे चवन ऋषि की यहाँ पर इस 84 कोसी क्षेत्र में उनका स्थान है। इसको भी बताने का काम हम इस अयोध्या पर्व के माध्यम से करना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने को लेकर महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ की शुरुआत 4 जनवरी से होने वाली है। तपस्वी छावनी के स्वामी परमहंस दास ने कहा कि राम मंदिर सार्थक महायज्ञ लोगों को सद्बुद्धि देगा कि वह राम मंदिर के निर्माण में आगे आकर सहयोग करें। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बराबर के भागीदार बनेंगे और खुशी खुशी राम मंदिर निर्माण में हिस्सा लेंगे। 4 जनवरी से जो राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सुनवाई होने जा रही है, वह सुनवाई सार्थक हो और इस बार निर्णायक हो, इसके लिए हम लोग आज ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण सार्थक सुनवाई महायज्ञ का आयोजन किए। इससे निश्चित रूप से यह जो नया वर्ष आने वाला है, यह एक खुशखबरी लेकर के आएगा और 70 साल से जो विवाद चला आ रहा था, वो पूर्ण रूप से, समूह रूप से यह विवाद जो है तो खत्म हो जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिल करके राम मंदिर का निर्माण करेंगे, सब में भाईचारा कायम रहेगा। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ मुस्लिम संगठनों द्वारा बाबर का पुतला दहन किया गया। अयोध्या के रामघाट चौराहे के पास मित्र मंच के प्रदेश अध्यक्ष बबलू खान अपने दर्जनों समर्थकों के साथ बाबर का पुतला दहन किया। मुस्लिमों का कहना है कि हिंदुस्तान में बाबर एक आतंकी था, जिसने भगवान राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था और इसी के कारण देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद कराकर नफरत पैदा करने का कार्य किया। बबलू खान ने बताया कि आज हिंदुस्तान में बाबर के नाम से हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए अयोध्या का मुसलमान पूरी तरह से तैयार है।
अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। आज ये बाबर का पुतला फूंका गया है क्योंकि बाबर के नाम से हिंदुस्तान में आपस में हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ का एक एक मुस्लिम बाबर को मानने वाला मुस्लिम नहीं है। जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है वो कतई बाबर से उससे कोई लेना देना नहीं है, और जो मुस्लिम बाबर को मानता है वो कतई हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं हो सकता है। वो बाबर जैसा वो भी आतंकवादी हो सकता है जो बाबर को मानने वाला मुसलमान हो सकता है। इसीलिए आज सन 2018 साल का ये आखिरी महीना है, इसलिए आज बाबर का पुतला फूंक के उसका नामो निशान यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों ने मिटा दिया है। आइंदा बाबर की बात नहीं होना चाहिए। रही बात मस्जिद की, तो मस्जिद कहीं मुस्लिम आबादी में बनना चाहिए, वो किसी बाबर के नाम से नहीं, अमन चैन शांति के नाम से बनना चाहिए। और जहाँ पे रामलला विराजमान है वहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए अयोध्या का संपूर्ण मुस्लिम पूरी तरह से तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगी तो राम मंदिर निर्माण के लिए अगर कोई बाधाएं आएगी तो अब सर कटवाने का काम नहीं, सर काटने का काम किया जाए। अयोध्या में पुलिस ने वाहन चोरों की गैंग को पकड़ा है। इन आरोपियों के पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल और 2 तमंचे बरामद हुए। SPCT अनिल सिंह सिसोदिया ने बताया कि सिविल लाइन में चौकी इंचार्ज अमरनाथ यादव ने इन गैंग के मुखिया फिरोज खान को रंगे हाथ मोटरसाइकिल चुराते हुए गिरफ्तार किया। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। इन लोगों ने बहुत काम किया, गाड़ी कैसे उठाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, कई गाड़ियाँ कुछ पार्ट काट दिए गए इसके, आप देखेंगे इंजन वगैरह काट के अलग लगाते हैं। तो ये 3 फिरोज खान, मोहम्मद आमिर और प्रवीण कुमार और निहाल अहमद, ये जो लोग हैं ये मूलतः वाहन चोरों का गैंग है। उठाने वाला कोई है, डिस्पोजल कराने वाला कोई है, इंजन काटने वाला कोई है। इस तरह से जितनी मोटरसाइकिलें 6 मिली हैं, तो बहुत ही अच्छा एक नए साल का संदेश है ये। कम से कम वाहन चोरी मुख्य चुनौती रहती है किसी भी शहर की पुलिसिंग के लिए, यहीं नहीं हर जगह वाहन चोरी पे अंकुश नहीं लग पाता है। नेपाल नगर के डवाली गांव में कुछ बदमाशों ने अनाज व्यापारी पर लूट के इरादे से हमला कर दिया। जैसे ही बदमाशों ने व्यापारी पर हमला किया तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के खेत में काम कर रहे किसानों के आने पर सभी बदमाश भाग गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल पर आरोपी का मोबाइल मिला, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सर, मैं नेपाल का अनाज व्यवसायी हूँ। मेरे अपना माल खरीदने के लिए अपनी बाइक से नावथा जा रहा था, तो कुछ डवाली से क्रॉस होने के बाद कुछ बदमाश ने मेरा रास्ता रोकने का प्रयास किया और मुझ पर लकड़ी से हमला किया। जो लकड़ी मुझे यहाँ लगी, मेरे गाड़ी का बेल, मैंने गाड़ी को खेतों में उतारा और जंग वो खेतों की ओर भागने लगा और किसानों को चिल्लाया। वहाँ किसान खड़ा था अपने पाटिल करके है, उनके पास दौड़ा मैंने और बचाओ बचाओ, तो उधर से वो आए और कुछ किसान रुके जो उधर से जाना कर जा रहे थे, उन और कुछ बदमाश मेरे पीछे भाग रहे थे, तो वो उनको देख के रिटर्न हुए, वापस भागे और उनका एक बदमाश का मोबाइल वहाँ गिर गया, जिसे लेकर मैं थाने आया हूँ। आवेदक विजय है, व्यापारी है, उनके द्वारा शिकायत की है जो नावता जा रहे थे वहाँ डवाली के आगे 4 लोगों ने रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके तो लकड़ी से मारने का प्रयास किया, तो मोटरसाइकिल उन्होंने खेतों में डाल दी, तो गांव वाले आ गए तो भाग गए और मोबाइल छोड़ गए। घटनास्थल पर आसपास पता किया है, कोई जांच की जा रही है, आवेदन ले लिया है, तस्दीक की जा रही है। मामला आपसी विवाद का भी हो सकता है कोई, और रोकने का सर व्यापारी जो है क्या रुपये लेके जा रहा था? उसका ऐसा कहना है कि मैं पैसे लेके जा रहा था जी, अनाज वगैरह खरीदने, अनाज कपास खरीदने, लेकिन पैसे ऐसे यहाँ वो लाए नहीं गए ना। सर मोबाइल कौन सा है, यानी जांच की जा रही, क्या मामला? मोबाइल एक मिला है, उन्होंने व्यापारी द्वारा ही लाके पेश किया है कि मोबाइल वो लोग अपने साथ छोड़ गए हैं, उसकी जांच करके साइबर से निकाली जाएगी। अभी की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।